हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट ऑडिशन। मेरा नाम उस्मान है और आज हम लोग देखने वाले हैं गैलेरकिन मेथड। ठीक है, तो बेसिकली ये सब फाइनल एलिमेंट एनालिसिस में यूज़ होते हैं मेथड, ताकि मतलब न्यूमेरिकल मेथड होते हैं एक तरह के ये सब, ताकि हम लोग अपने मतलब बोलते हैं ना क्लोजेस्ट सोल्यूशन पा सकें, कोई भी इक्वेशन की क्लोजेस्ट सोल्यूशन पा सके। एग्जैक्ट नहीं होती, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली अपन चालू करते हैं डायरेक्टली, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताया मैंने, और आपको बस उतना ही ध्यान देना, ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ठीक है, जैसे समझाएंगे क्वेश्चन जैसे दिखेंगे वैसे वैसे आपको सॉल्व करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन देख लो क्या दिया है। तो देखो, डबल डेरिवेटिव दिया है यहाँ पर, इसको अपन ऐसा भी लिखते हैं। ये देखो, ये सिंगल डेरिवेटिव होता है, ये चीज़ होती है सिंगल डेरिवेटिव। ठीक है, जो कि ऐसी होती है। अब इस पे डबल डैश आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा डबल डेरिवेटिव। तो इतना याद रखोगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन होने का नहीं। ये होती है वाई की वैल्यू, वाई जहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो है, इक्वल टू वन। ठीक है, क्या बोला यहाँ पर, वाई ये बाउंड्री कंडीशन है। पहले तो आपको एक इक्वेशन दिया है, फिर ये सारी उसकी बाउंड्री कंडीशन है। क्या दिया है, वाई जिसमें एक्स की वैल्यू मैंने जीरो डाली है, तो मुझे क्या मिला है, वन। और वाई डैश ये क्या हो गया, ये जो वाई था ना इक्वेशन आपके पास, इसको आपने डिफ्रेंशिएट किया और उस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू वन डाली, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी वाई की, वाई डैश की 0.1। अभी ये सब कहाँ यूज होने वाला है मैं बता। ठीक है, और फिर आपको क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.2 बाय गैलेरकिन मेथड। ठीक है, चलो तो हम लोग को सॉल्व करना है। तो बेसिकली आपको पहले देखना है ऑर्डर, क्या देखना है, ऑर्डर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिकली यहाँ पर ऑर्डर क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का, 2 है। तो जहाँ पर ऑर्डर, जो भी ऑर्डर होगा उसका प्लस वन करने का, और वो आपका पॉलिनोमियल में ऑर्डर आ जाएगा। जो आप पॉलिनोमियल लिखोगे ना बाद में, कैसे लिखते हैं ये देखो, आपको एक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको एक इक्वेशन में आपको पुट करना है। ठीक है, ऐसे इक्वेशन बनाना है, तो ये कुछ तो इक्वेशन होगा ना, कोई भी चीज़ का कुछ तो इक्वेशन होता ही है। अपन एफ ई ए में क्या करते हैं कि कोई भी एक इक्वेशन होती है उसको अपन सॉल्व करते हैं बाय डिफरेंशियल मेथड। ठीक है, तो वही होता है यहाँ पर, आपको एक इक्वेशन बनानी है। तो मैंने क्या किया, वाई एक फंक्शन है, ठीक है, इक्वल टू सी नॉट, ये कौन वैल्यूज होती है, कोई भी आर्बिट्री वैल्यू होगी, कुछ कुछ तो होगा ये। तो मैंने क्या किया, सी जीरो लिखा पहले, प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स क्यूब। ये क्यूब क्यों आया, क्योंकि मेरी पावर क्या थी यहाँ पर, 2 की थी, तो इसलिए मेरी पॉलिनोमियल की पावर यहाँ पर 3 की आएगी। देखो प्लस 1 लिखा मैंने, हुआ। अब मैंने देखो यहाँ पर क्या था, वाई डैश है ना, तो इसीलिए हम लोग इसी वाई को अब वाई डैश बना देंगे। क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सी तो एक कॉन्स्टेंट होता है, सी टू वन भी, सी टू सी थ्री सब कॉन्स्टेंट होता है, तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव लोगे तो आपको 0 मिलेगा, तो इसलिए मैंने हटा दिया उसको। अब एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ना, ये सिर्फ सी वन आएगी यहाँ पर। ठीक है, गलती से मैंने लिख दिया है, और सिर्फ सी वन आएगी। अब प्लस 2 सी टू एक्स, ये कैसे आया, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर का, तो क्या आएगा, 2 नीचे आएगा, एक्स आ जाएगा सिर्फ, तो सी टू एक्स। अब प्लस ये देखो, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 नीचे आया, और एक्स स्क्वायर, और ये सी ऐसे कैसा है, सी थ्री है। ठीक है, ये सी थ्री, एक मिनट लिख देता हूँ, टेंशन नहीं है। ये हो गया सी थ्री, और ये हो गया सिर्फ आपका सी वन। ठीक है, अब सही है, हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो पलटते हैं अपन। नाउ अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन, तो बाउंड्री कंडीशन क्या क्या थी, तो एक था भाई ये वाली, क्या थी कि भाई वाई की इक्वेशन जो कि ये है, इसमें मैं एक्स की वैल्यू 0 डालूंगा तो मुझे 1 मिलता है, तो इसमें पहले वैल्यू डाल दूंगा, तो उसको सॉल्व करेंगे भाई। देखो डाला, इस तरह से सॉल्व किया, और सी नॉट की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये वैल्यू एक मिल गई। अब सेम दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब दूसरा कंडीशन क्या था कि वाई डैश में मैं एक्स की वैल्यूज 1 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये वैल्यू मिलती है। तो वैसे का वैसे लिख दिया 1 डाल के, फिर सॉल्व करके दूसरा वैल्यू मिल गया। अब ये वैल्यूज आपको कहाँ डालनी है, तो आपको पहले इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। तो क्या लिखोगे, रीराइटिंग दी अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन, जो कि आपका वाई था, कहाँ पर है, देखो वापस बता रहा हूँ, ये जो वाई की इक्वेशन है ये आपके अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन इक्वेशन है। तो इसमें आपको वापस जो भी वैल्यूज आपको मिली हैं सब पुट करनी है। तो मैंने क्या की, सब वैल्यूज पुट कर दिया, हो गया सब वैल्यूज पुट करके मुझे एक लास्ट में फाइनल एक इक्वेशन मिल गई वाई की। यह आपकी इक्वेशन बहुत काम आने वाली है, जैसे कि अभी आपको एक वेटेड फंक्शन भी फाइंड करना होगा। ठीक है, तो उसमें आपकी जो दो चीज़ें हैं ना, ये जो ब्रैकेट में दिख रही है,
ये इस मेथड में बहुत काम आने वाली, क्योंकि यही चीज़ आपकी वो वेटेड इक्वेशन मतलब वेटेड वैल्यू होती है, ठीक है। अभी वेटेड कोएफिशिएंट की वैल्यूज होती है। अब ठीक है, ये तो ध्यान मत दो। अब क्या करना है अपने को, अब अपने को पहले तो फाइंड द रेसिड्यू ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसको कैसे कैसे करते हैं, रेसिड्यू में मतलब इन शॉर्ट क्या होता है उनमें, आपका क्वेश्चन ही होता है। अब देखो तीसरा स्टेप मैंने क्या बोला, पहले तो ये हो गया, वेटेड फंक्शन भूल गया फिलहाल के लिए। आपको क्या करना है, तीसरा चीज़ क्या बोला था, फाइंड द रेसिड्यू, है ना। रेसिड्यू में क्या होता है, आपका जो क्वेश्चन होता है ना, यही आपका होता है रेसिड्यू। सिर्फ इतना, इक्वल टू जीरो नहीं होता है यहाँ पर, सिर्फ इतना होता है आपका रेसिड्यू, आर होता है। तो उसमें क्या है कि देखो, इसको मैं क्या बोला था, आप और क्या लिख सकते हो, वाई डबल डैश, है ना। और इसको क्या लिखोगे, सिर्फ वाई डैश, ऐसा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसीलिए हम लोग को उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो वाई का डेरिवेटिव लेंगे, वाई क्या है, ये है अभी अपना नया वाई, इसका डेरिवेटिव लोगे एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसका डबल डेरिवेटिव लोगे एक और वैल्यू मिलेगी, ये दोनों वैल्यू हो गई। अब रेसिड्यू में क्या करना है आपको, देखो क्वेश्चन में क्या था, ऐसा था ना, वाई डबल डेरिवेटिव चाहिए था, आपने वैल्यू मिल गया आपको अभी, और सिंगल डेरिवेटिव का चाहिए था, तो अभी आपको वो भी वैल्यू मिल गई। तो रेसिड्यू में आपको क्या लिखना है कि भाई आर लिखना है, और फिर उधर ही इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखो द रेसिड्यू बिकम्स, तो अपना रेसिड्यू क्या था, क्वेश्चन था, सही है, सीधा सीधा पूरा क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, जो भी वैल्यू मुझे मिली वाई की, और फिर डबल डेरिवेटिव की, और उसके सिंगल डेरिवेटिव की, सब वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, और रीअरेंज करने पर मुझे रेसिड्यू की वैल्यू ऐसे मिली। इतना समझा, अभी रेसिड्यू की वैल्यू तो मिल गई। अब इसको आगे भी सॉल्व करना है, इतने में ख़त्म नहीं होता ये सब सम्स, ठीक है। अभी और सॉल्व करना है, तो सिर्फ एक लास्ट स्टेप रह गया, क्या कि आपको वेटेड फंक्शन भी फाइंड करना है। तो वेटेड फंक्शन क्या होता है, तो वेटेड इंटीग्रल होता है कि भाई इंटीग्रेशन डब्ल्यू आई जीरो टू वन होता है, ठीक है, उसका लिमिट डब्ल्यू आई वेटेड फंक्शन इंटू आर, जो कि अपना रेसिड्यू है, डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब डब्ल्यू आई क्या होगा वैल्यू, तो ठीक है, चलो पहले आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, आर अपने को पता है, ठीक है, वो वैल्यू डाला, मिल गया ऐसे। अब डब्ल्यू आई क्या है, तो मैंने आपको पहले बताया था, देखो डब्ल्यू आई आपको काम आने वाला है, कहाँ से काम आने वाला है, तो ये जो दो वैल्यूज है, ये जो दो ब्रैकेट की वैल्यूज है, ये आपका डब्ल्यू वन होगा एक, और एक होगा डब्ल्यू टू, इतना याद रखो, किस में, गैलरकिन मेथड में, ठीक है। हर एक मेथड में अलग अलग चीज़ें हैं, तो सिर्फ आपको देखो यहाँ तक हर एक मेथड में सेम होगा, कहाँ तक, यहाँ तक लिखने के लिए, हर एक मेथड में सेम होगा, हर एक मेथड में, इतना याद रखो, सेम होगा। बस जब आप डब्ल्यू आई सब्स्टिट्यूट करते हो वो हर मेथड में अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू आई आपका डब्ल्यू वन ये है, डब्ल्यू टू ये है। तो पहले तो अपन लिख देंगे सीधे से अच्छे से कि भाई डब्ल्यू आई अपना कोएफिशिएंट ऑफ सी आई है इन वाई फ्रॉम इक्वेशन सी, जो इक्वेशन मतलब वही अपना वाई का वैल्यू उसमें से मिल गया अपने को, ठीक है। तो क्या डब्ल्यू वन इज इक्वल्स टू, एक मिला ये, और डब्ल्यू टू इज इक्वल्स टू दूसरा, देखो बता देता हूँ आपसे, इस इक्वेशन में से अपने को मिला, सीधी सी बात है, इक्वेशन सी जिसमें से एक कोएफिशिएंट है ये और दूसरा कोएफिशिएंट है ये, सी का कोएफिशिएंट है, तो ठीक है भाई वो सब मिल गया अपने को। आगे क्या है, तो अब पहले क्या करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल्स टू वन वी गेट, कहाँ पर, इस इक्वेशन में। तो क्या पहले डब्ल्यू वन का पुट करेंगे वैल्यू इधर, बाकी सब वैसा का वैसा, उसको इंटीग्रेट करेंगे, कैल्शियम डाल के आंसर ला सकते हैं यार, सीधी सी बात है, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो पता है मुझे, ठीक है। तो क्या करना है फिर, देखो कैसे सॉल्व करना है, मतलब कैल्शियम में भी कॉन्स्टेंट जो भी है उसको, देखो ये कॉन्स्टेंट चीज़ है, ये तो इंटीग्रेशन के बाहर आएगी, बाकी जो भी चीज़ है वो इंटीग्रेशन के अंदर होगी, सीधा सीधा इंटीग्रेट उसको करो, लिमिट्स पुट करो, कैल्शियम में इक्वल टू दबा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, और कुछ टेंशन नहीं लेना है, सॉल्व होता है इजीली, कैल्शियम में टेंशन मत लो। एक इक्वेशन मिला, अब दूसरा कैसे फाइंड करेंगे, दूसरा सीधी सी बात है, अभी डब्ल्यू वन लिया था, सीधी जगह पर इधर डब्ल्यू टू डाल दो बस, आप इधर सेम कैल्शियम में वैल्यूज डाल दो, आंसर मिल जाएगा, मिला। अब इन दोनों इक्वेशन को जो भी अपने को वन और टू मिली, उनको साइमेंटेनियसली सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगे सी टू और सी थ्री की। अब ये दोनों वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है, जो आपको इक्वेशन सी मिला था, याद है इक्वेशन सी, ये इक्वेशन, इसमें आपको सी टू और सी थ्री की वैल्यू पुट करनी है। जैसे आप पुट कर दोगे सी टू और सी थ्री की वैल्यू, आपको इक्वेशन ऐसे सॉल्व करते ऐसे मिल जाएगी इस तरह से। अब आपको क्या फाइंड करना था, स्टार्टिंग में फाइंड करना था कि वाई ऑफ 0.2, तो बस x की जगह पे 0.2 डाल दो पूरे इक्वेशन में, आंसर मिल जाएगा। तो बेसिकली ये इतना सारा ताम झाम क्या किया, किसके वैल्यू फाइंड करने के लिए,
y 0.2 इज इक्वल टू 0.58 इतना है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया इस पूरे मेथड में, तो बेसिकली पहले तो पूरा रेसिड्यू तक सेम था, उसके बाद वो इक्वेशन से हम लोगों ने दो कोएफिशिएंट निकाले C1 और C2 और C3 वाले, ठीक है वो हटाए और फिर वो मैंने वेटेड फंक्शन में सब्स्टिट्यूट किया। जैसे कि यहाँ पर देखो C2 W2 आया और इसके पहले W1 आया था, तो वो अपन ने सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया, इंटीग्रेट किया, कैल्शियम में फेंका, सब वैल्यूज आंसर आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये अपना गैलेरकिन मेथड था, इसके बाद अपन दूसरा कोई मेथड देखेंगे। ठीक है, तो याद रखना है भाई, एग्जाम में समझाते हैं ऐसे, काफ़ी अच्छे मार्क्स के लेंगे। आपको कभी कभी दो चीज़ें बोली लेंगे फाइंड करने के लिए, पर वो इजी होता है इसलिए बोल रहे थे दो फाइंड करने, कभी कभी एक ही बोलते हैं फाइंड करने। ठीक है, तो मोस्टली आज के लिए इतना ही, होप सो यार वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लस हमारी वेबसाइट lastminuttuition.com को विजिट करो, वहाँ पर बहुत सारे नए नए कोर्स प्लस उनके नोट्स भी अवेलेबल है। तो थैंक यू।